हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा, गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में फूल कितने फ्रेश फ्रेश दिखाई पड़ते हैं, और ये देखिए गुलाब में भी बढ़िया कलियां आ रखी हैं। और ये देखिए, ये सब सारी इसमें देखिए कलियां आई हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो जब ये कलियां खिल के झड़ जाएंगी, तब जो है मैं इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैगी सा हो रहा है। एक बार मैं कटिंग कर चुकी हूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ थोड़ा सा नीचे से इसे प्रून कर दूँ, ताकि इस तरह से नए नए कल्ले फूटना स्टार्ट हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दिन का राजा है, और इतना महकता है, इतना महकता है कि इसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। एक तो ये दिन का राजा और एक रात की रानी। तो ये इसके पास से भी आप गुजर जाएंगे ना, तो ये सौंधी सौंधी इतनी मतलब भीनी भीनी खुशबू आएगी। और इसमें भी देखिए अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और इसमें कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए भर भर के कलियाँ आ रही हैं। तो इस टाइम भी आप जो है अपने प्लांट्स को थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट गुड़ाई करके दे दीजिए, क्योंकि अब ये फ्लावरिंग पे आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, मधुमालती में भी जो है खूब सारी फ्लावरिंग भी हो रही है, और कलियाँ भी आ रही हैं, और इसकी भी खुशबू इतनी भीनी भीनी खुशबू है, और जो है इसमें खूब भर भर के फ्लावरिंग आती है। ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों, आप भी इसकी कटिंग अभी लगा लीजिए, और जो है अपने गार्डन को फूलों से महका दीजिए। ये देखिए, अभी भी देखिए कितनी बढ़िया फ्लावरिंग इसमें है। ये देखिए, ये देखिए गुड़हल में भी हमारे कितनी फ्लावरिंग हो रही है, और कितनी बर्ड्स भी आई हुई है, कितनी कलियाँ आई हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो अब मुझे इसे भी जो है थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट देना है, तो इसे भी गुड़ाई करके मैं वर्मी कंपोस्ट दूँगी, और जो है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिल सके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, दिन का राजा है, और ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स भी लगाई हैं, और इसके शीट्स भी बनते हैं फ्लावरिंग झड़ जाने के बाद। जो है इसमें छोटे छोटे शीट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो शीट्स पक जाते हैं पूरी तरह से, तब उसे आप किसी भी गमले में डाल दीजिए, प्रोपोगेट हो जाएगा। ये देखिए, रेड वाला गुड़हल भी कितना सुंदर लग रहा है, और ये देखिए इसमें भी बर्ड्स आनी शुरू हो गई है। ये देखिए, मेरे हस्बैंड अंगूर की बेल लेकर आए हैं कहीं से, एक लोग से मंगवाया था, तो मुझे इसे भी कट करके लगानी है। यही मौसम सही है, तो मैं इसे कट करके लगा लूँगी। देखिए दोस्तों, ये हमारी रात की रानी का प्लांट है, और इसमें एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, और जो है अब फिर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और इसका मौसम अब आ गया है फ्लावरिंग स्टार्ट होने का। तो ये देखिए, मैंने इसकी ब्रांच ऊपर से प्रून कर दिया था फ्लावरिंग हो जाने के बाद, और देखिए नए नए शूट्स निकलने अब शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कुंद का प्लांट है, और कुंद के प्लांट में भी देखिए मैंने यहाँ से प्रून कर दिया था, और नए नए शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं, और अब ये भी जो है फ्लावरिंग करेगा। ये दो से तीन बार फ्लावरिंग कर चुका है, और उसके बाद मैंने इसे प्रून कर दिया था। प्रून करने के बाद जो है अब इसमें नए नए शूट्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। मैक्सिकन पिटोनिया में भी खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, और ये भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी तीन तरह के कलर में आते हैं, लाइट पिंक है, एक जो है वाइट में आता है, और एक पर्पल कलर में। मैंने बहुत सी वीडियो में मैक्सिकन पिटूनिया के फ्लावर शेयर किए हैं। ये देखिए दोस्तों, वडेलिया का ये प्लांट है, और इसमें देखिए मिनी सनफ्लावर जैसे होता है, उस तरह के इसमें फ्लावर आते हैं। और समर सीज़न में जो है इसमें खूब ब्लूमिंग होती है, ये रेनी सीज़न में भी जो है इसमें खूब ब्लूमिंग होती है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें देखिए कितने सारे इसमें अभी फ्लावरिंग हुई है। और ये देखिए, इसे भी आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और ये कटिंग मैं अपने गांव से लेकर आई थी, छोटी सी कटिंग लेकर आई थी, इट्टू सी कटिंग लेकर आई थी, इसे लगा दिया था। और ये हैंगिंग प्लांटर में खूब ज़्यादा फैलता भी है। आप चाहे हैंगिंग प्लांटर में लगाइए, और चाहे तो अपने किसी पॉट पर लगा दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से फैलेगा। लेकिन हैंगिंग प्लांटर में ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये एक वाइन प्लांट है, और ये धीरे धीरे नीचे की ओर इस तरह से आता है। ये देखिए, ये देखिए हमारा वाइट मैक्सिकन पिटोनिया है, अभी खिले हुए हैं, तो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, और ये शाम तक में तो एकदम ही मुरझा जाएंगे। ये देखिए हमारा मैक्सिकन पिटोनिया, ये देखिए इसमें कितनी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, आप देख पा रहे होंगे।
और ये भी जो है हम एक बार लगा देंगे तो हमारे गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके शीट्स जो है ये इसके ऊपर पानी पड़ते ही ये अपने आप ही फट के इसके शीट्स अलग अलग गमलों में छितरा जाता है। मतलब ये इस तरह से फूटता है, पटाखे की तरह फूटता है, फटने से फूटता है और इसके शीट्स बिखर जाते हैं चारों तरफ। तो ये भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये देखिए अपराजित तो आप जानते ही हैं, जिसे नीलकंठ भी कहा जाता है, और इसमें देखिए खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए ये हमारा गोरी चोरी का प्लांट है, तो इसमें देखिए खूब ब्लूमिंग हो रही है और खूब बर्ड्स भी आई हुई है इसके अंदर। और फ्लावरिंग हो जाने के बाद इसे यहाँ से तोड़ देना चाहिए ताकि नए शूट्स निकले और नई कलियाँ भी इसमें स्टार्ट हो जाए। और देखिए मॉर्निंग में कितनी अच्छी लगती है बुलबुल की आवाज़ और सभी चिड़ियों की आवाज़, जब सुबह सुबह उठ के आप अपने टेरेस गार्डन में आइए तो कितना अच्छा लगता है। और दूर कहीं मंदिर के घंटे की आवाज़ भी कितनी मधुर लगती है, जी करता है बस चुपचाप एक जगह बैठ के आँखें बंद करके इन चिड़ियों की आवाज़ और मंदिर की घंटे की आवाज़ सुनते रहें। इसे तो मैं दिखा ही चुकी हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इसमें भी वाइट फ्लावरिंग आई है, ये पिंक फ्लावरिंग है। तो बोगनवेलिया में तो खैर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और कटिंग से आसानी से हम लगा सकते हैं इसे और अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए ये सिंगल पैटर्न वाला है, ये हमारा ऑरेंज टिकोमा है, और इसमें देखिए कितनी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। आप देख पा रहे होंगे इसकी डाल में पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग हो रही है। और ये हमारा वाइट वाला चंपा है, इसमें भी खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये देखिए कटिंग से मैंने बोगनविलिया लगाया था, इसमें भी देखिए कितनी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। और ये इट्टू सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटू सा है, कम से कम 6-7 इंच का प्लांट है। और इसमें भी देखिए कितनी भर के फ्लावरिंग हो रही है, इसे भी मैंने आपसे शेयर किया है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था। और इसमें भी देखिए कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, ये सिंगल पेटल वाला जो है, और इसमें भी देखिए कितनी फ्लावरिंग हो रही है। और भी कटिंग्स लगा रखी है, ये फ्लावरिंग हो गई, इसमें ख़त्म हो चुकी है। और भी ये देखिए इसमें भी ये कटिंग लगाई हुई है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा रेन लिली का प्लांट है, और इसमें भी देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए पिंक वाला है, और ये हमारा 4 o'clock का प्लांट है, और इसमें भी खूब फ्लावरिंग होती है। और शाम के 4 बजे इसमें इतनी बढ़िया भीनी भीनी खुशबू आती है, इसके बगल से अगर गुजर जाइए तो। दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और देखिए दोस्तों ये हमारा मोगरा का प्लांट है, और ये इसमें तो आप जानते ही हैं कि कितनी बढ़िया खुशबू आती है, एक फ्लावर भी अगर निकल जाए तो इसमें इतनी ज़्यादा मतलब महक आती है। तो और इसमें अभी अभी फ्लावरिंग होके ख़त्म हुई है, और जो है मैंने इससे पिंच कर दिया है, और यहाँ से नए नए शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इसे भी जो है आप अपने गार्डन में जगा दीजिए। और जाते जाते हम लोग अपना हरसिंगार का प्लांट देखते जाएंगे। देखिए इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और ये देखिए कितने बढ़िया इसमें फूल भी निकलने स्टार्ट हो गए हैं, और सब ब्रांच में कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, आप देख पा रहे होंगे। किसी में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो किसी में जो है कलियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों इसे भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं, और इसकी भी बहुत बढ़िया भीनी भीनी खुशबू आती है, और इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तो ये देखिए भाई मेरे यहाँ तो कलियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं सब में, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए तो आप भी ये महकने वाले जो फूल हैं इसकी कटिंग लगाइए या नर्सरी से लेकर आइए, और अपने गार्डन को फूलों के महक से भर दीजिए।